ये लो अंतरा बेटा, ये कृष्ण भगवान है, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। मम्मी मेरे लिए? बेटा जहां मैं गई थी वहां सिर्फ पूजा का सामान मिलता है, और तुम्हें जो भी चाहिए ना मैं तुम्हें यहीं से दिलवा दूंगी। ओके? सच में? हाँ बाबा, पर तुम्हें अपनी क्लास में फर्स्ट आना पड़ेगा। वो तो आ जाऊंगा, पर मम्मी अंतरा को स्कूल से निकाल दिया गया है। अदिति तुम? हाँ मम्मी, और जब बिल्लू ने इस बात पर झगड़ा किया तो प्रिंसिपल सर ने उसे भी सस्पेंड कर दिया। हेलो आंटी, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ बिल्लू, पर तूने क्या किया? कुछ नहीं आंटी, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती है। आप मेरी चिंता मत करो, सोचना तो अंतरा के लिए है। अंकल ने बहुत से स्कूलों में ट्राई किया पर सब जगह नो एडमिशन। आदित्य मैंने सोच लिया है, हमें किसी एनजीओ या किसी संस्था से बात करनी चाहिए। तुम समझ क्यों नहीं रही? इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम जल्दी से जल्दी अंतरा का एडमिशन किसी स्कूल में करवा सके। तुम गए तो हो ना इतने सारे स्कूल्स में, क्या हुआ? सबने तो मना कर दिया। अगर हम डोनेशन दे तो? रिश्वत? मैं मानता हूँ विद्या की ये गलत है, लेकिन सारी दुनिया ये कर रही है। दुनिया को करने दो आदित्य, कम से कम तुम तो डोनेशन देने की बात मत करो। तो क्या करूं मैं? अंतरा को ऐसे ही घर में बिठा कर रखूं? उसकी शिक्षा का अधिकार छीन लूं मैं? मैं अंतरा की शिक्षा का अधिकार छीनने की बात नहीं कर रही, मैं उसके हक में लड़ने की बात कर रही। और तुम ये लड़ाई किसी एनजीओ की मदद से लड़ना चाहती हो? हाँ, और अगर वो साथ ना दे तो ये लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। हम एक ग्रुप बनाएंगे जो अंतरा जैसे बच्चों के हक के लिए लड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है ये काम एक दिन में हो जाएगा? एक दिन शुरू करेंगे तो एक दिन हो ही जाएगा। आदित्य अगर हर इंसान ये सोच के वृक्ष लगाएगा कि उसके फल सिर्फ उसी को मिले तो फिर तो दुनिया में कभी कोई पौधा नहीं पनपेगा। सॉरी विद्या, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है, किसी और की नहीं। और हक के लिए लड़ना मतलब सबके लिए लड़ना। और अगर हम सभी ऑटिस्टिक बच्चों के लिए लड़ने लग जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सारी स्कूल अंतरा के खिलाफ हो जाए। I'm sorry, मुझे अंतरा का भविष्य बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। नहीं, मेरा अब छोड़ो इसे। मेरा, ये मेरा ही रेजर है, अंतरा, मेरा, अंतरा। अभिषेक, क्या कर रहे हो तुम? मम्मी, देखो ना, ये मेरा रेजर नहीं दे रही है। मेरा है। नहीं मम्मी, ये मेरा है, समझा ना इसे। अगर अंतरा ये रेजर नहीं दे रही तो कौन सी आफत आ गई? तुम्हें पता है कि उसकी चीजों को हाथ लगाओ तो वो गुस्सा करती है। क्यों लगाया उसके पेंसिल बॉक्स को हाथ? अपना पेंसिल बॉक्स है ना तुम्हारे पास? अरे मम्मी, इसने अपना इरेजर खो दिया है, इसके लिए मैंने इसे अपने बॉक्स से दिया और अब ये लौटा नहीं रही है। बेटा वो उसके बॉक्स में था, इसीलिए वो समझ रही है वो उसी का है। और है तो मेरा ना, इसकी गलती है। आंटी मैं अपनी दुकान से ले गया हूं। हाँ अंतरा को साथ ले जाओ। हाँ ले जाओ, पर उसे अकेला मत छोड़ो। शंभू कहाँ चला गया? मम्मी भी किटी पार्टी में गई है, आज तो राज हमारा है। अभी बेटा तुम सब समझते हो, फिर भी तुमने आज अंतरा से लड़ाई कर ली। बचपन में तो तुम अंतरा के लिए सबसे लड़ जाते थे, तो अब क्या हो गया? मैं अंतरा से बहुत प्यार करता हूँ मम्मी, पर आप और पापा अब मुझसे प्यार नहीं करते। अभिषेक नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, ऐसा कभी सोचना भी मत।